ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवसादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री श्रीम शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु ही कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री श्रीम शिला भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। बहुत दिनों बाद हमारा सेशन हो रहा है। पूरा कार्तिक में भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स बोल रहे थे। उसके बाद फिर हमारी 84 कोस हो गई, उसमें थोड़ा व्यस्त रहे। और 84 कोस खत्म होने के बाद अभी ब्रज से जाने का मन ही नहीं कर रहा, तो अभी तक मैं जयपुर गया नहीं हूँ। हमारी आज एक रिविजन क्लास है क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है। जब मैं बिल्कुल नया नया भक्ति में आया था तब मेरे MBA के एग्जाम्स चल रहे थे और मैं दिल्ली में रोहिणी नंदन प्रभु जी से मिलने के लिए गया। उन्होंने बोला कि कल मेरा प्रोग्राम है, तुम जरूर आना। तो मैंने कहा प्रभु जी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि परसों MBA का एग्जाम है और पूरे साल तो पढ़ते नहीं है, यही एक दिन होता है पढ़ने का, उसमें भी आप प्रोग्राम में बुला रहे हो। बोले देखो भाई ऐसा है, तुम्हारा तो परसों एग्जाम है, मेरा तो कल ही एग्जाम है और मैं तो तब भी जा रहा हूँ प्रोग्राम में। मैंने कहा आप तो 50 साल के हो, आपको कौन सा एग्जाम है, आप भी कोई पढ़ाई कर रहे हो क्या? बोले देखो भाई, जो इस जगत का सबसे बड़ा एग्जाम है वो है मृत्यु। और श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ये एग्जाम कैसा है, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसकी कोई डेट शीट नहीं आती है। नॉर्मल एग्जाम्स की तो डेट शीट होती है, इसकी कोई डेट शीट नहीं है। और किसी भौतिक एग्जाम में व्यक्ति फेल भी हो जाए तो क्या होता है, 1 साल रिपीट करना पड़ता है। लेकिन इस मृत्यु रूपी एग्जाम में अगर कोई फेल हो जाए तो उसको 84 लाख योनियां भटकना पड़ता है। इसलिए श्रीमद् भागवत ने बताया है जन्म लाभ परापुंसा अंते नारायण स्मृति, कि अगर किसी को अंत में नारायण की स्मृति हो जाए, जन्म लाभ परापुंसा, उसने अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठा लिया और उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो गया, अगर उसको क्या हो जाए अंत में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। और अगर अंत में भगवान नारायण की स्मृति नहीं होती तो क्या होता है, पूरा का पूरा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। हरि हरि विफल जन्म गवाई नु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई नु। शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी जो राधा कृष्ण का भजन नहीं करते वो लोग कैसे हैं, जान पूछ के विष खाने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो उसके लिए हमारे गुरुवर हमारे पीछे लगे रहते हैं कि किसी प्रकार से ये जीव भजन कर ले। तो हमारी 18 क्लासेस हो चुकी हैं अब तक, और उन 18 क्लासेस में से हम first 9 और second 9, जो first 9 क्लासेस हैं उसका भी हम रिविजन करेंगे, बहुत फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे। जो हमारी पहली क्लास हुई थी, पहली क्लास में हम लोगों ने जाना था सनातन धर्म के जो हमारे शास्त्र है उन शास्त्रों के बारे में कि हमारे कौन कौन से शास्त्र हैं। हमारे जितने भी सारे शास्त्र हैं वो लिखे हैं वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी कौन है, वेद व्यास जी भगवान कृष्ण के ही शक्त्यावेश अवतार हैं। जब भगवान अपना कोई एक जीव के अंदर अपनी एक शक्ति का संचार करते हैं उसको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार, की उसके अंदर भगवान की शक्ति का आवेश हुआ। तो भगवान ने अपनी ज्ञान शक्ति का आवेश उनके अंदर कराया, इसलिए वो भगवान की शक्त्यावेश अवतार है वेद व्यास जी। इसलिए श्रीमद् भागवत में उनको बताया गया है साक्षात भगवान ऋषि की, वो भगवान ही है, ऋषि के रूप में आए हैं। तो इस जगत में हम सब लोग बद्ध जीव है, भगवान को नहीं जानते। बद्ध जीव जो है चैतन्य चरितामृत में आता है, बद्ध जीव जो बद्ध जीव है उसको भगवान के बारे में नहीं पता। और हमारे ऊपर कृपा करने के लिए फिर भगवान क्या कहते हैं, अतेव वेद व्यास कैला वेद पुराण। इसलिए वेद व्यास जी ने क्या किया, वेद और पुराणों की रचना करी कि उनको पढ़ के हम लोग भगवान को जान पाए। तो बताया कि माया मुक्त जीव ना ही कृष्ण ज्ञान, हम लोग माया से मुक्त है, हमें कृष्ण के बारे में नहीं पता। तो हम लोगों पर कृपा करने के लिए स्वयं कृष्ण ही
ऋषि के रूप में आए वेद व्यास जी के, और उन्होंने शास्त्रों को लिखा। तो वेद व्यास जी ने जो शास्त्र लिखे उनका नाम वेद व्यास क्यों है, पहले एक वेद था, उन्होंने उस एक वेद के चार उसके भाग कर दिए, उस वेदों का विस्तार कर दिया, इसलिए उनका नाम हुआ वेद व्यास। जैसे जब कंपास से हम एक राउंड बनाते हैं, कंपास से जब राउंड बनाया जाता है वो जो डायमीटर होता है जो पूरे उसको ज्वाइन करता है ऐसे करके, उसको बोलते हैं व्यास। तो ये है व्यास जिन्होंने क्या किया, वेदों को विस्तार किया। कैसे विस्तार किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, ये चार वेद हैं। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद शुद्ध भक्ति के बारे में बताता है। ऋग्वेद के बाद आया सामवेद, सामवेद किसके बारे में बताता है, सामवेद गान के बारे में बताता है, जितने भी गान है सारे गामा पा जितना भी गान का विद्या है सामवेद में है। यजुर्वेद, जितने भी यज्ञ की शिक्षा है वो यजुर्वेद में है, और अथर्वेद में सारा विज्ञान भरा हुआ है, जो हमें स्कूल में पढ़ाते थे पाई सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये सारा का सारा कहाँ से आया है, ये सब अथर्वेद से ही आया है। तो ये चार वेदों को उन्होंने विस्तार किया, और हर वेद की शाखाएं होती हैं, जिस वेद की जितनी शाखा होती है उतने उपनिषद बन जाते हैं। तो जैसे सामवेद की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, सामवेद की 1000 शाखा है, तो यजुर्वेद की 109, अथर्वेद की 50, ऋग्वेद की 21, कुल मिला के 1180 शाखाएं हैं। तो इसलिए 1180 उपनिषद बने। तो चार वेद थे, उन चार वेद से 1180 उपनिषद बने, और पुराण, उसके बाद उन्होंने पुराण लिखे। पुराण क्या है, जो वेदों के अर्थ को पूरा करते हैं। पुराणों के अंदर बहुत सारी उपाख्यान है, बहुत सारी कथाएं हैं, उन कथाओं के माध्यम से हम उस चीज को समझ पाते हैं। जैसे किसी चीज को एग्जाम्पल को समझा, किसी एक तत्व को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, तो वो सारे एग्जाम्पल्स किस में है, पुराणों में है। उन्होंने फिर 18 पुराण लिखे, 18 पुराण में से 6 सात्विक, 6 राजसिक और 6 तामसिक पुराण है, क्योंकि इस जगत में जो लोग हैं उनकी तीन प्रकार की चेतना है, कोई तामसिक होते हैं, कोई राजसिक होते हैं, कोई सात्विक होते हैं। तो सात्विक लोगों के लिए सात्विक पुराण, राजसिक लोगों के लिए राजसिक, और तामसिक लोगों के लिए तामसिक पुराण लिखी। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी ने ये सारा कुछ दिया। अब चार वेद लिख दिए, 1180 उपनिषद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, लेकिन अभी भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिल रही। फिर अपने गुरु का ध्यान करते हैं नारद जी का, और नारद जी से पूछते हैं कि इतना लिखने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिल रही, जब मुझे लिखने के बाद नहीं मिल रही तो पढ़ने वाले को क्या खाक शांति मिलेगी। तो नारद जी ने बोला कि तुमने कहीं पे भी लिखा क्या कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कहीं पे तुमने शिव जी को भगवान बोल दिया, कहीं पे दुर्गा को बोल दिया, कहीं पे गणेश जी को बोल दिया, ये तो बताओ परम तत्व कौन है, ईश्वर कौन होता है जो कंट्रोलर है, लेकिन परम ईश्वर कौन होता है जो ईश्वर का भी ईश्वर है, जो सब ईश्वरों का भी कंट्रोलर है, ईश्वर परम कृष्णा, कहीं पे तुमने लिखा कि कृष्ण ही परम ईश्वर है। फिर जाके उन्होंने क्या किया, फिर जाके उन्होंने समाधि में जाते हैं गुरुदेव की कृपा से, और उनको फिर क्या होते हैं, समाधि में जाके उनको भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, भक्ति के प्रभाव से उनको साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के, मायम तत् उपाश्रितम, और देखते हैं कि माया जो है इनके पीछे खड़ी है, और भगवान के सामने माया नहीं आ सकती, और तब जाके उनको पता चलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। फिर उनके हृदय में साक्षात भागवतम स्फुरित होती है, और वो भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर भागवतम की लीलाएं लिखते हैं, तब जाके उनका मन जो है वो, चित्त जो है वो जाके शांत होता है। इसलिए जितने भी सारे शास्त्र हैं बताया, वो सारे शास्त्र कैसे हैं, निगम कल्पत्रोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, कि सारे के सारे शास्त्र जो है वो तो एक पेड़ है, पेड़ में शाखाएं भी होती है, पेड़ में जड़ भी होता है, पेड़ में पत्ते भी होते हैं, लेकिन पेड़ का मुख्य प्रयोजन क्या है, वो है फल देना। तो पेड़ का जो मुख्य वस्तु है, वो जो फल है, वो फल क्या है, श्रीमद भागवत ही सारे वेद रूपी वृक्ष का फल है। अगर पेड़ फल ही ना दे तो बाकी सारी चीजें इतने काम की नहीं है, फल के ही लिए तो एक व्यक्ति पेड़ को उगाता है। तो बताया कि सारे शास्त्रों का जो फल है वो श्रीमद भागवतम है, और श्रीमद भागवतम कैसी है, फिर श्रीमद भागवतम है अमल पुराण, बाकी सारी जो है वो क्या है, वो अमल पुराण नहीं है क्या, एक होता है अमल, एक होता है निर्मल। निर्मल वो होता है, एक वस्तु गंदी थी उसको पानी से धो दिया, लेकिन अमल होता है जो कभी गंदी हो ही नहीं सकती, वो हमेशा ही पवित्र रहती है। तो ये जो अमल पुराण है श्रीमद भागवतम, बताया कि इसका मतलब बाकी जो पुराण है उसमें मल है क्या, बताया हाँ, क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष, बाकी पुराणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करी गई है, जहां पे भी धर्म अर्थ यहाँ तक की मोक्ष मुक्ति की भी बात करी गई है, वो सब का सब क्या है, वो सब कैतव है। वो सब कैतव का अर्थ होता है कपटता है, मुक्ति सबसे बड़ी कपटता है। तो
तो जहां पे भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करी गई है वो सब मल के समान है, इसलिए उन सबको रिजेक्ट करके उन्होंने क्या बोला, श्रीमद भागवत को उन्होंने लिखा। और ये किन लोगों के लिए लिखा, यत वैष्णव नाम प्रियम, जो वैष्णव लोग हैं उनके लिए लिखा। तो तब जाके उनके मन को शांति मिलती है। और फिर हम लोगों ने सुना था कि भगवान को जानने का तरीका क्या है, शास्त्र योनित्वाद। शास्त्र योनित्वाद का अर्थ है कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है योनि से, तो भगवान का जन्म कैसे होता है, शास्त्र योनित्वाद, यानी कि शास्त्रों की योनि से भगवान का जन्म होता है। इसका अर्थ है कि जब हम शास्त्रों का सहारा लेते हैं तो शास्त्र ही हमें भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान कौन है। भगवान तक जो चिन्हित हमें करते हैं वो शास्त्र ही करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि हमारे जितने भी गुरुवर हुए हैं उन सबने जो कथा करी है बेस क्या लिया है, शास्त्रों को ही बेस लिया है। लेकिन आजकल के बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड गुरुज हैं जो अपनी फिलॉसफी बोलते हैं और शास्त्रों को नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार के जो सो कॉल्ड गुरुज हैं जिनके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, तो ये बिल्कुल भी युक्ति संगत नहीं है। और सनातन धर्म वालों को तो ऐसे लोगों का बहिष्कार ही करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया कि वेद व्यास जी के बारे में पहली क्लास में हमने शास्त्रों के एसेंस सुने थे। उसके बाद फिर हमारी सेकेंड क्लास थी हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, जिसमें हमने आत्म तत्व के बारे में जाना था। हु एम आई में आत्म तत्व के बारे में हमने क्या क्या जाना था, 84 लाख योनियां होती है, जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्मीम क्षिति, जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जलचर होते हैं जो जल में विचरण करते हैं, जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्मीम क्षिति, 20 लाख प्रकार के स्थावर होते हैं जो अपने स्थान से हिल ही नहीं सकते, कृम्य और रुद्र सांख्य का, 11 लाख प्रकार के कीड़े होते हैं, पक्षी नाम दश लक्षणम, 10 लाख प्रकार के पक्षी होते हैं, और 30 लाख प्रकार के पशु होते हैं जो जो विचरण करते हैं भूमि पे, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो कुल मिला के जो 84 लाख योनियां होती है, इन 84 लाख योनि में से जो मानव है वो सबसे श्रेष्ठ योनि है जो इस चीज को जान सकती है कि मैं कौन हूं। इसलिए वेदांत सूत्र की जो सबसे पहला सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेद व्यास जी ने जब सारे वेद लिख दिए थे तो सारे वेदों को फिर उन्होंने शॉर्ट करने के लिए क्या किया था, वेदांत सूत्र लिखे थे। वेदों का अंत हो गया वेदांत सूत्र। भागवतम लिखने से पहले उन्होंने वेदांत सूत्र लिखे थे, जिसमें उन्होंने 550 सूत्र लिखे थे। सूत्र मतलब वो एक एक लाइन की है, शास्त्र योनित्वाद अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे सिंगल सिंगल लाइन के। और 550 सूत्र जो लिखे थे उसका सबसे पहला सूत्र था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब ब्रह्म की भगवान की जिज्ञासा करो, मनुष्य शरीर मिल गया है तो भगवान की जिज्ञासा करो, क्योंकि केवल मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान की आत्मा की जिज्ञासा कर सकता है, पशु कभी भी इस चीज को नहीं समझ सकता। तो वहां पे फिर हमने उस क्लास में जाना था कि किस प्रकार से हमारे दो शरीर है, एक है स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर वो है पंच भौतिक तत्व का जो बना है धरती जल अग्नि वायु आकाश का, शमशान घाट में जाते हैं वहां पे दिख जाता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, बॉडी देते हैं 1 घंटे के बाद बॉडी वापस आ जाती है मटकी के अंदर, पूरी बॉडी। उसके अंदर क्या होता है, धरती होती है, आकाश का हिस्सा आकाश में मिल जाता है, अग्नि का अग्नि में चला गया, जल का जल में चला गया, बचा क्या, वायु का वायु में चला गया, बचता क्या है, केवल मिट्टी बचती है। तो ये पंच तत्व से बना शरीर जो है इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर जो इसके अंदर है वो क्या है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार और चित्त, ये 4 चीजें हैं जो सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। अब मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, अहंकार क्या होता है, चित्त क्या होता है, ये 4 चीजें क्या क्या होती है। शुरू करते हैं मन से। मन के 2 कार्य हैं, संकल्प और विकल्प, उसका और कोई कार्य नहीं है। मन हमेशा इसी दुविधा में पड़ा रहता है, मन की अपनी बुद्धि नहीं है, मन की पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि अलग तत्व है, मन अलग तत्व है, मन हमेशा इसी में पड़ा रहता है, संकल्प विकल्प, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, खाऊं नहीं खाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, सुनूं नहीं सुनूं, सोऊं नहीं सोऊं, वो हमेशा इसी संकल्प और विकल्प ही उसके दो उसका स्वभाव है। और उसके बाद बताया पीछे उसको चलाने वाली कौन है, मन को चलाने वाली है बुद्धि। कभी कभी तो मन बुद्धि के वश में आ जाता है, कभी बुद्धि को अपने वश में कर लेता है। तो जो इसको हमने एक डायग्राम से समझा था कि घोड़े हैं हमारी इंद्रियां, घोड़े के पीछे की जो लगाम है, जो घोड़े के पीछे की लगाम है वो है मन, और उसके पीछे जिसने लगाम को पकड़ा हुआ है जो सारथी है वो है बुद्धि। तो अब बुद्धि अगर शक्तिशाली है और वो लगाम को खींच के रखती है तो जिस दिशा में लेके जाना चाहे उस दिशा में उस रथ को लेके जा सकती है, लेकिन अगर लगाम को ही छोड़ दो तो घोड़े तो जहां मन करेगा वहीं भागेंगे। तो इसलिए बताया कि जो मन है वो संकल्प विकल्प करता है और बुद्धि क्या करती है, बुद्धि विचार करती है, विचार की शक्ति जो है बुद्धि के पास है। अब ये बुद्धि जो विचार करती है ये कैसे तेज होगी,
इसकी विचार शक्ति कैसे बढ़ेगी, इसका इसका जो बल है वो कैसे बढ़ेगा, वो बढ़ता है साधु संघ से। बादाम खाने से बुद्धि तेज नहीं होती है, बुद्धि तेज होती है साधु संघ से, तब जाके बुद्धि को समझ में आता है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। तो मन बुद्धि और अहंकार, अहंकार क्या है, अहंकार अभी हम और सूक्ष्म जाते जा रहे हैं। भगवद गीता में बताया गया है, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि श्लोक है जिसे भगवान ने बताया है, मन बुद्धि अहंकारश्च जिसमें बताया क्रम है, चार वस्तुएं हैं मन बुद्धि अहंकार और चित्त। तो सबसे पहले सूक्ष्म वस्तु हुई मन, मन से भी सूक्ष्म हो गया बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार। अहंकार क्या है, मैं शरीर हूं, जिस भी शरीर में आत्मा जाती है उस शरीर का उसका अहंकार बन जाता है, मैं भारतवासी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये सारे के सारे अहंकार है जो शरीर मिलने के साथ साथ आ जाते हैं। बंदर के अंदर अहंकार है, मैं बंदर हूँ, बंदरिया मैं बंदरिया हूँ। तो ये जो अहंकार है, ये सारे का सारा अहंकार क्या है, ये फॉल्स ईगो है। वास्तविक अहंकार क्या है जीव का, कि वो कृष्ण का दास है। और फिर उसके अंदर आता है चित्त। अब चित्त क्या होता है, पूर्व में जितने भी हम लोग कर्म करते रहते हैं, उन कर्मों की जो वासनाएं हैं वो हमारे चित्त के अंदर स्टोर हो जाती है, जो आगे कुछ भी और कर्म करने के लिए वहां से हमें मोटिवेशन देती है। जैसे किसी व्यक्ति ने आज पूरा दिन स्टॉक मार्केट देखता रहा, वो मोबाइल पे स्टॉक मार्केट देखता रहा, जब वो रात को सो रहा है तो उसको सपना किसका आ रहा है, स्टॉक मार्केट का आ रहा है। तो जो भी हम क्रियाएं करते हैं हमारे चित्त में स्टोर हो जाती है। तो चित्त जो है वो एक स्टोर हाउस है हमारे पूर्व पूर्व कर्मों के संस्कारों का, वहां पे सारे संस्कार स्टोर होते हैं। तो ये हमारा स्थूल शरीर था पंच तत्व का, फिर सूक्ष्म शरीर था मन बुद्धि अहंकार और चित्त का। फिर हम लोगों ने गीता के बहुत सारे उदाहरणों से समझा था, यद्यपि एक उदाहरण से भी समझ सकता है व्यक्ति कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, लेकिन भगवद गीता में भगवान ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, क्योंकि हम लोग एक उदाहरण से समझने वाले नहीं है। क्या क्या, एक पहला पहला उदाहरण भगवान ने दिया कि जिस प्रकार से वसांसी जनानी यथा विहाय नवानी गृहंती नरोपराणी, जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग देता है और नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा भी क्या करती है, इन पुराने वस्त्रों को छोड़ के नए वस्त्र अनेक अनेक योनियों में जाके धारण करती है। फिर भगवान ने एक दूसरा उदाहरण और दिया था कि नैनम चिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका, कि ये आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि से इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको जल से भीगा नहीं जा सकता, वायु से इसको उड़ाया नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि आत्मा इन पांचों तत्व से परे है, इन पांचों तत्व से परे है। स्थूल शरीर बना है पंच तत्व का, वो पंच तत्व की नहीं बनी है। तो फिर यहाँ पे बताया कि जो गीता में भगवान ने ऐसे बहुत सारे और उदाहरण दिए थे कि अर्जुन कभी ऐसा नहीं था, तुम नहीं थे कभी ऐसा नहीं था, मैं नहीं था कभी ऐसा नहीं था, ये राजा नहीं थे, तुम भी थे, हम भी थे और राजा भी रहेंगे। तो अनेकों उदाहरण से भगवान ने गीता में समझाया है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। और आत्मा का साइज क्या होता है, आत्मा का साइज होता है बाल अग्रभागस्य शतधा कल्पितस्य च, कि बाघ बाल का एक अग्रभाग ले लो, अ टिप ऑफ अ हेयर, बाल अग्रभाग शतधस्य च, उसके 100 हिस्से कर दो, और 100 हिस्से करने के बाद जो एक हिस्सा बचेगा उसके भी 100 कर दो, यानी कि बाल के एक अग्रभाग के 10,000 हिस्से जब हम करेंगे तो वो होता है आत्मा का साइज, यानी कि बाल के एक अग्रभाग में 10,000 आत्माएं बैठ सकती है। तो बाल एक पूरे बाल में कितनी आत्माएं बैठ जाएंगी, कितनी लाखों करोड़ों जीव आत्माएं बैठ जाएंगी। तो आत्मा का साइज बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म। बताया ना कि इंद्रियाणी प्रयाणोरारे इंद्रेभ्या परम मना, मनस्तु पर बुद्धि, बुद्धि परतस्तु स। गीता भगवान कहते हैं इंद्रिया, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा। इंद्रियां स्थूल है, आंख नाक मुंह हम देख सकते हैं, हाथ भी दिखता है, हम इंद्रियों को देख सकते हैं, मन को नहीं देख सकते, बुद्धि को नहीं देख सकते, वो सूक्ष्म वस्तु है। और वस्तु जितनी सूक्ष्म होती रहती है वो उतनी शक्तिशाली होती रहती है। इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, मन से ज्यादा शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से भी ज्यादा शक्तिशाली है हमारी आत्मा, क्योंकि वो और भी सूक्ष्म है। तो यहाँ पे बताया कि आत्मा रहती कहाँ पे है, भगवद गीता में भगवान ने बताया है कि आत्मा कहाँ पे रहती है, हृदयंतस्तो हि भद्राणी, कि आत्मा है सबकी हृदय में ही रहती है। सर्वस्य च हृदि शरणविष्टो, कि मैं सबके हृदय के अंदर ही रहता हूँ। किस प्रकार से, आत्मा के साथ परमात्मा भी रहते हैं। इसका उदाहरण दिया उपनिषद में कि द्व सुपर्णा सखाया समानम वृक्षम परिशेष पर जाते, कि दो सखा है, ये दो पक्षी है, और ये दोनों पक्षी एक ही पेड़ की
टहनी पे बैठे हैं, एक पेड़ की बड़ी सुंदर लता है उसके ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, और उनमें से एक पक्षी क्या कर रहा है, एक पक्षी तो फल को खा रहा है और अन्य अभिचाक्षति दूसरा उसको देख रहा है, एक खा रहा है फल को, फल अच्छा है मीठा है जैसा भी उसका स्वाद वो कर रहा है, दूसरा केवल साक्षी के रूप में उसको देख रहा है। उसी प्रकार से सारे कर्मों को भोग करती है आत्मा और उसके साथ में परमात्मा रहते हैं जो केवल उसके साक्षी बने रहते हैं, उसके जितने भी कर्म है उसको फल देने वाले कौन है, परमात्मा ही है। तो ये आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय स्थल में रहते हैं और जहां से सारा का सारा शरीर कार्यशील है वहीं से ही आत्मा जब तक इस देह के उसमें बैठी है शरीर में हृदय में तब तक ये देह चल रहा है। और आत्मा का साइज भी हमने सुन लिया। फिर बताया था कि चेतन और अचेतन में क्या फर्क है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कुछ चीजें लिविंग होती है कुछ नॉन लिविंग होती है, दोनों में अंतर क्या है। बताया कि जो लिविंग वस्तु है चेतन वस्तु उसमें तीन और अचेतन में तीन डिफरेंस है, क्या, इच्छा अनुभव क्रिया, इंग्लिश में बोलेंगे थिंकिंग एंड विलिंग। हम लोग इच्छाएं कर सकते हैं, जड़ वस्तु इच्छा नहीं कर सकती, इच्छा अनुभव हमें अनुभव होता है गर्मी है सर्दी है उसको अनुभव नहीं होता, क्रिया हम लोग क्रियाएं कर सकते हैं वो क्रिया नहीं कर सकता, इंग्लिश में थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। और आत्मा का अब नेचर क्या है, हर वस्तु का कोई ना कोई नेचर होता है, जैसे विष का नेचर है मारना, अमृत का है बचाना, अग्नि का है जलाना, जल का है तरल का, तो आत्मा का नेचर क्या है, आत्मा का नेचर है टू लव, प्रेम करना, बिना प्रेम के कोई भी जीवात्मा एक क्षण भी नहीं रह सकती। अगर किसी का जगत पे प्रेम खत्म हो जाए तो अपने शरीर को खत्म करने के लिए सुसाइड तक कर लेता है, तो ये बिना प्रेम के कोई भी जीवात्मा नहीं रहती, और जीवात्मा को प्रेम करना कोई सिखाता भी नहीं है, बच्चा पैदा होती माँ से प्रेम करता, भाई किसने सिखाया, तो ये नेचर है टेंडेंसी है प्रेम करना, लेकिन वो भगवान से करना था कर बैठा है इस जगत में। फिर तीसरा जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कर्मों के बारे में जाना था, कर्मा की फिलोसफीज, कर्म की फिलोसफी में हम लोगों ने क्या क्या जाना था, सबसे पहले हम नहीं सॉरी तीसरी क्लास में हम लोगों ने जाना था आनंद के विषय में, कि हैप्पीनेस के विषय में आनंद की परिभाषा क्या है, प्रतिपद वर्धनम, जो हर क्षण बढ़ता रहे, तो इस जगत में ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो हर क्षण बढ़ता रहे, बल्कि संसार के सारे सुख ऐसे हैं ऊपर से शुरू होते हैं और खत्म होके नीचे नेगेटिव और फिर डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं। किसी को रसमलाई खाना अच्छा लगता है, पहली रसमलाई में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 100% आएगा, दूसरी में 90, 70, 80, 70, 50, 10, 0, अब 10 रसमलाई खाने के बाद बस और नहीं खानी, और जबरदस्ती कोई खिलाना शुरू करेगा तो अब वही रसमलाई जो सुख दे रही थी वो दुख देना शुरू कर देती है। तो बताया कि इस जगत में आनंद है ही नहीं, क्योंकि आनंद की परिभाषा है जो हमेशा बढ़ता रहे और कभी रुके ही ना, और ये जगत को भगवान ने भगवद गीता में स्टैंप लगा दी है, संसार दुखालयम, ये संसार दुखों का ही आलय है, जहाँ पे आलय का मतलब होता है जहाँ पे कोई वस्तु प्रचुर मात्रा में हो, भोजन आलय, अब वहां पे भोजन ही मिलेगा, उसके बाद वस्त्र आलय, वहां वस्त्र ही मिलेंगे, अब कोई वस्त्र आलय में जाके बोले मुझे भोजन चाहिए तो वो तो मिलेगा नहीं, उसको लोग पागल ही बोलेंगे ना भाई, अगर वस्त्र आलय में आके भोजन मिलता है क्या, या भोजन आलय में जाके वस्त्र आलय मिलते हैं। तो बताया कि उसी प्रकार से ये जगत है दुख आले, यहाँ पे दुख ही दुख मिलते हैं, मदिराले व मदिरा ही मिलेगी, तो इस जगत में दुख आले में जो व्यक्ति सुख ढूंढने जा रहा है तो उससे बड़ा पागल और कौन हो सकता है। ये तो वही हुआ कि एक व्यक्ति भोजन आले में जाके बोल रहा है कि मुझे कपड़े चाहिए, स्कूल की यूनिफॉर्म चाहिए या मैरिज के लिए कहीं जाना है शादी के कपड़े चाहिए, तो उसका लोग उपहास ही उड़ाएंगे। उसी प्रकार से संत लोग हमारा उपहास ही उड़ाते हैं कि देखो ये लोग इस दुख आले में सुख ढूंढने चले हैं। भगवत गीता में भगवान ने चार सबसे बड़े दुख भी बता दिए हैं, कौन कौन से, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, और इतना ही नहीं साथ में तीन बोनस भी और दिए हैं भगवान ने, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो बहुत गैप गैप में आते हैं ना, जन्म मृत्यु के बीच में बुढ़ापा भी बहुत देर बाद आता है, बीमारी कभी आती कभी नहीं आती, उसके बाद भगवान ने बीच में तीन और माया देवी को खड़ा करा हुआ है, त्रिशूल लेके खड़ी है, तीन प्रकार के दुख और देने के लिए, कौन कौन है, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख। आदि दैविक वो दुख होते हैं जो देवी देवता देते हैं, आदि जैसे बहुत सर्दी हो जाना, बारिश हो जाना, ये सारे देवी देवताओं के दुख है, कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाते हैं। आदि भौतिक दुख, आदि भौतिक वो दुख है जो हमें दूसरी जीवात्मा देती है, मच्छर काट लेना, अभी मच्छर काट जाता है, कभी कुत्ता काट देता है, कभी पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है, कभी रास्ते में कोई चलते फिरते किसी से लड़ाई हो जाती है, जो हमें दूसरी जीवात्मा से दुख मिलते हैं उसको बोलते हैं आदि भौतिक। और आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक तो आजकल कलयुग में बहुत ज्यादा ही है, छोटी छोटी बात पे ही लोग किसी का भी दिल तोड़ देते हैं, और आध्यात्मिक दुख
आध्यात्मिक दुख वो है जो देवी देवता भी नहीं देते, जो दूसरी जीव आत्मा ही नहीं देती, तो देता कौन है भाई? ऐसा कौन सा दुख है जो देवता भी नहीं दे रहे? भगवान तो कभी किसी को दुख देते ही नहीं है, जो जीवात्मा भी नहीं दे रही, तो ऐसा कौन सा दुख है? बताया ये दुख है जो अपने आप से ही हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं। किसी को बहुत डिप्रेशन हो गया, कोई स्ट्रेस हो गया, और ये तो सबसे ज्यादा कलयुग में अभी जो आज लोग दुखी हैं वो किस लिए दुखी है? मोस्टली लोग आज अपने आध्यात्मिक दुख से ही दुखी हैं, खुद ही दुखी हो जाते हैं बिना कारण के। तो ये आध्यात्मिक दुख है जो अंदर मन से अपने उत्पन्न होते हैं, इसका मूल कारण है मत्सरता। किसी के पास ज्यादा धन देख लिया, किसी के पास ज्यादा यश देख लिया, तो उससे दुखी हो जाना, ये तीन प्रकार के दुख हैं। उसके बाद बताया कि इस जगत के जितने भी सुख हैं, वो जो भी सुख आता है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का कीर्तन है, जे सुख है आचे भय से सुख कहे ना कहे, कि जिस सुख के अंदर भय लगा हुआ है उसको तुम सुख कैसे कह सकते हो? इस जगत के सारे सुख अपने साथ में दो चीजें लेके आते हैं, भय और शोक। किसी की संतान नहीं थी, बहुत दुखी था, संतान हो गई, संतान आने के साथ साथ दो दुख आ गए, भय और शोक। क्या क्या? अरे रात को 9 बजे बच्चा आ जाता है, 10 बज के अभी तक आया नहीं, क्या हो रहा है? भय हो रहा है। तो अरे इसकी तबीयत खराब हो गई, भय हो रहा है कहीं कुछ हो गया। तो इस जगत के जितने भी सारे सुख है उसके साथ भय लगा है, और जब वस्तु हाथ से खो जाती है फिर उसके लिए शोक होता है। तो इस जगत की कोई भी भौतिक वस्तु मिलने के साथ साथ ये दोनों चीजें होती हैं, कहीं खो ना जाए डर लगा रहता है, वो है भय, और जब वस्तु हाथ से चली जाती है तब होता है शोक। हाय मेरा नया फोन कहीं खो ना जाए डर लगा रहता है, जब फोन खो जाता है फिर उसके लिए शोक करते हैं। तो इसी प्रकार से संसार के सभी सगे संबंधी एक दिन मिले हैं, एक दिन छूटना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वस्तु नित्य तो है नहीं, सब अनित्य वस्तु है। तो अनित्य वस्तु के साथ तो भय और शोक रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो नित्य वस्तु है उसके साथ भय नहीं होता, उसके साथ शोक नहीं होता, वो नित्य है, वो हमेशा ही हमारे साथ रहती है। तो बताया कि क्यों गुरु लोग, गुरु जन वैष्णव जन, वो भी तो एक दिन हमसे बिछड़ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग उनके लिए रोते हैं, तो वो शोक नहीं, वो विरह है। विरह और शोक में बहुत अंतर है। शोक होता है भौतिक वस्तु के लिए, विरह होता है उस ट्रांसेंडेंटल, उस नित्य वस्तु के लिए। शोक एक व्यक्ति को दुखी दुखी करता है और उसको अधपतन यानी कि नीचे नीचे के लोकों में लेके जाता है, लेकिन विरह, विरह एक ऐसी चीज है जो हृदय की सारी ग्रंथियों को काट देता है। और जब ये भगवान और वैष्णव के लिए जब विरह होता है, कोई रोता है, तो ये उसको उत्तम गति वैकुंठ की ओर लेके जाता है, और इस विरह में बहुत आनंद है। इसलिए तो देखो हमारे जितने भी कीर्तन है, उन सारे कीर्तनों में क्या प्रार्थना कर रहे हैं हमारे गुरुवर की, बड़ा सुंदर कीर्तन है नरोत्तम दास ठाकुर जी का, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं, राधिका गोविंद बोली कांदी बो उच्छ्वारे भीजी बे सकल अंग नयन रनी रे, कांदी बो उच्च स्वरे राधा, कबीर राधा गोविंद बोली कांदी बो उच्च स्वरे। कब ऐसा होगा कि मैं हा राधे और हा गोविंद बहुत उच्च स्वर से रोते रोते बोलूंगा, और भीजी बे सकल अंग नए नए नीरे, और राधा कृष्ण बोलते बोलते मेरे सारे के सारे आंखों से इतना आंसू निकलेगा कि मेरे सारे के सारे अंग क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं हमारे गुरुवर। तो विरह के अंदर एक आनंद, इसलिए हमारे परम गुरु थे वो उदाहरण देते थे रामलीला। हर साल लोग रामलीला देखते हैं, और जब उस रामलीला में जब बोला दृश्य देखते हैं कि दशरथ महाराज जी का किस प्रकार से देहांत हो गया, राम जी वनवास को चले गए, सीता जी का राम जी से बिछड़ना, उसको देख के भक्त लोग क्रंदन करते हैं, लेकिन बार बार क्यों देखते हैं? उनको आनंद आता है। तो शोक और विरह में ये अंतर है। फिर हम लोगों ने सुना था कि ये जगत में तो जो हैप्पीनेस है वो है भी कैसे, एक उदाहरण दिया था श्रील स्वामी महाराज जी का, डे ड्रीम एंड नाइट ड्रीम। डे ड्रीम नाइट ड्रीम का अर्थ क्या है? रात को किसी ने सपना देखा और बड़ा खुश हो रहा है, अरे मैं राजा बन गया, नौकरी लग गई, ये हो गया, वो हो गया। अब सुबह उठ के देखते हैं, अरे वो तो सपना ही था, लेकिन रात को उसको थोड़ा सा तो आनंद आया ना जो उसने सपने में देखा। अब बताया कि जो रात को उसने सपने में जो भी वस्तु देखी उसको उससे आनंद आया, लेकिन अब सुबह उठ के वो क्या सोचेगा, अरे उस आनंद का क्या कुछ महत्व है क्या, वो तो सपना ही था। ये हो गए नाइट ड्रीम। अब डे ड्रीम समझो, डे ड्रीम क्या है भाई? वास्तविक में उसकी नौकरी लग गई, वास्तविक में राजा बन गया, वास्तविक में एक्स वाई जेड जो चाहिए था उसको मिल गया। रात को तो सो जाता है, रात को तो सब भूल जाता है। तो जब वो रात को, जो व्यक्ति सोने के समय तो वो सब भूल जाता है, उसको दिन में जो भी उसके साथ हुआ क्या हमें पता होता है? जब हम रात को सो रहे हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो यानी कि वो हो गई डे ड्रीम। जो दिन में था वो रात को नहीं है, जो रात को था वो दिन में नहीं है। तो इस संसार के सारे सुख ही ऐसे हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन सबको छोड़ के क्या करता है, नित्य वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। फिर फोर्थ क्लास थी हमारी लॉ ऑफ कर्मा, जिसमें हमने कर्मों के बारे में समझा था, इसको थोड़ा अच्छी तरह और समझेंगे।
इस जगत में जितने भी कार्य होते हैं वो होते हैं तीन गुणों से सारे कार्य युक्त है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। कोई कार्य सतोगुण में है, कोई रजोगुण में है और कोई तमोगुण में है। सतोगुण वाला कार्य पुण्य कहलाता जाता है, तमोगुण वाला पाप कहलाता है। लेकिन इस चीज को हमने, और जब इसका हमने गहराई से विवेचन किया था, तो हम इस चीज को हमने समझने का प्रयास किया था कि कोई भी ऐसा पुण्य नहीं है जिसमें पाप ना हो, और कोई भी ऐसा पाप नहीं है जिसमें पुण्य ना हो। पाप के अंदर पुण्य है, पुण्य के अंदर पाप है, यानी कि प्योर पुण्य कुछ भी नहीं है और प्योर पाप कुछ भी नहीं है। इट मीन्स प्योर सात्विक भी कुछ नहीं है, प्योर तामसिक भी कुछ नहीं है। ये जो तीनों गुण है, इन तीनों के मिश्रण से ही जगत चलता है। जो सतो गुण है उसके अंदर रज और तम मिश्रित है। इसका उदाहरण दिया गीता में भगवान ने कि अग्नि पवित्र वस्तु है, लेकिन पवित्र होने पर भी उसमें भी धुआं है, यानी कि वो उसका दोष है। उसी प्रकार से इस जगत का कोई भी शुभ से शुभ कर्म ले लो, उसके अंदर कहीं ना कहीं पाप छिपा हुआ होगा। जैसे हमने इसके बहुत सारे उदाहरण समझे थे कि एक व्यक्ति ने हॉस्पिटल खोला और वहां पे गरीबों का इलाज कर रहा है, एक दिन कोई रेपिस्ट आके वहां पे अपना इलाज करा के चला गया, तो उसका पाप हो ही गया। इस जगत में ऐसा कोई भी पुण्य कार्य नहीं होगा जिसमें पाप ना छिपा हो। हर पुण्य में पाप थोड़ा बहुत छिपा ही होगा। और इसका ऑपोजिट भी हमने समझा था। ऑपोजिट एक उदाहरण जो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी देते थे, एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया एक बहुत सज्जन व्यक्ति का, चीटियां थी, बहुत सारी चीटियां थी जो क्या कर रही थी, आके उस खून को चाटने लगी, तो चीटियों को तो भोजन हो गया। फिर हमने एक उदाहरण समझा था कि एक व्यक्ति ने क्या किया, देखा कि बंदर बहुत सारे मच्छर खा रहे हैं, या राधा कुंड के तट पे बंदर दीवार पे बैठे रहते हैं और एक एक करके ऐसे ऐसे हजारों मच्छर खाते रहते हैं। अब मन में आता है कि चलो भाई मच्छर को तो बचाए कम से कम, लेकिन कितनों को बचाएंगे। तो एक व्यक्ति ने आके ऐसे मच्छर को भगा दिया। और जब उसने मच्छर को भगाया, ये पाप हुआ या पुण्य हुआ, प्रश्न ये उठता है। क्यों? क्योंकि उसने मच्छर की तो जान बचा दी, ये तो हो गया पुण्य। पाप क्या हुआ? अरे भाई उसका भोजन छीन लिया, बंदर का भोजन था, उसका भोजन क्यों छीना। तो इस जगत में जो भी कार्य है उसमें दोनों चीजें मिलेगी, पाप भी हुआ और पुण्य भी हुआ। तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो प्योर पाप हो या प्योर पुण्य हो, दोनों का मिक्सचर होता है। फिर हम लोगों ने ये भी समझा था कि पाप और पुण्य आपस में न्यूट्रलाइज कभी नहीं होते, कि मैंने बहुत सारे पाप कर लिए हैं, चलो भाई अब थोड़े पुण्य कर लेता हूँ तो पाप कट जाएंगे, ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता होता तो इस जगत में हमें दो ही लोग मिलते हैं, जो या तो परम सुखी होते हैं परम दुखी होते हैं। किसी के बहुत 50 पाप थे, 40 पुण्य थे, 50 पाप में से 40 पुण्य कट गए, क्या बचा? 10 पाप। चलो भाई 10 पाप भोग करो, अब तो उसको पुण्य है ही नहीं, सुख मिलेगा ही नहीं, केवल दुख ही दुख मिलेगा। क्योंकि पुण्य से मिलता है सुख, पाप से मिलता है दुख। अब किसी व्यक्ति का उल्टा मान लो, उसके 100 सुख थे, 100 पुण्य थे, 10 पाप थे, काट दो, बचे क्या? 90 पुण्य बचे। तो भाई मेरे को 90 पुण्य पुण्य का फल दे दो, पाप में लूंगा नहीं। तो आपस में ये दोनों काउंटरैक्ट नहीं होते हैं। पुण्य का फल पुण्य, पाप का पाप भोगना पड़ता है। इसलिए जीवात्मा की गति क्या होती है? कबू स्वर्ग के उठाए, कबू नर के डुपाए, दंडे देन राजा देन नदी ते चुबाए। कि जीव की स्थिति क्या है, कभी स्वर्ग में चले जाते हैं पुण्य के लिए, फिर कभी नरक में जाता है अपने पाप को भोगने के लिए। जिस प्रकार से पहले के राजा दंड कैसे देते थे, जो दंडनीय व्यक्ति है उसको नदी में डुबो देंगे, जब वो मरने वाला होगा तब उसको नदी के बाहर निकालेंगे और उसको लंबी लंबी सांसें लेने देंगे। उसके बाद जब उसका फेफड़ा पूरा सांस से भर जाएगा फिर उसको नदी में डुबो देंगे, फिर जब मरने वाला होगा फिर बाहर निकाल देंगे। उसी प्रकार से माया देवी दंड देती है, कभी राजा कभी प्रजा, कभी शूद्र कभी कीट, कभी राजा कभी प्रजा, कभी शूद्र कभी कीट बना देती है। तो इस जगत के, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करते हैं, अपने कर्मों को काटने के लिए, भागवत में बताया गया है कि क्या कभी काले से काला साफ होता है क्या, गंध से गंध साफ नहीं होता। तो बताया इस जगत के जितने भी कर्म है, चाहे वो सात्विक कर्म हो, राजसिक हो या तामसिक हो, सब क्या है? मल है। मल से मल को साफ नहीं कर सकते, निर्मल वस्तु से ही मल को साफ किया जाएगा। इसलिए बताया कि भागवत में श्लोक आता है, ना परम कर्म निबंध कृतना मुमुक्षुताम तीत पनु अदु कीर्तनाद ना यत पुनः कर्म सु सज्जते मनो रजस तमो भयाम कलिलम ततो अन्यथा। कि भगवान की भक्ति को छोड़ के इस जगत में जितनी भी बाकी सारी क्रियाएं हैं, चाहे वो योग हो, साधन हो, अष्टांग योग हो, ध्यान योग हो, पतंजलि का हो, एक्स वाई जेड पुण्य कर्म करना हो, ये सारा का सारा क्या है? रजस तमो भयाम कलिलम ततो अन्यथा। ये सब रजोगुण से मिला हुआ है। तो बताया कि केवल एक भक्ति ही है जो जीव के सारे कर्मों को हमेशा के लिए काट सकती है। भक्ति के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जीव के कर्मों को काट सके। उस कर्म बंधन से बचने का केवल एक उपाय है, वो है भक्ति। अच्छे कर्म स्वर्ग, बुरे कर्म नरक।
तो इसी कर्मों के फेर के अंदर जीव कोटि कोटि जन्मों से भटक रहा है। इसको बोलते हैं कर्म चक्र, क्योंकि हर कर्म का रिएक्शन होगा ही होगा। कर्म करा है, रिएक्शन होगा, रिएक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो तभी एक जीव इस कर्म के चक्र में पड़ा हुआ है। अब जब रिएक्शन होगा तब भी कर्म करने के लिए जीव बाध्य है, बिना कर्म के कोई रह ही नहीं सकता। तो कर्म और रिएक्शन, कर्म रिएक्शन, इस चेन से बचने का केवल एक उपाय है। वो क्या है? निष्काम कर्म भी नहीं, वो है भक्ति। जब एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तब जाके ही वो उसको काउंटर एक्ट कर पाता है। निष्काम कर्म से भी होगा नहीं। तो बताया कि भक्ति से ही हम आगे समझेंगे भक्ति के महिमा में, कि किस प्रकार से भक्ति से कर्मों को काटा जा सकता है। फिर हम लोगों ने समझा था कि हमारे कौन कौन से कर्म होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो भी हमें भोगने के लिए मिले हैं। अप्रारब्ध वो होते हैं जो हमारा बहुत बड़ा अकाउंट है, जो हमें आगे किसी जन्म में भोगने पड़ेंगे। इसको एक उदाहरण से समझा था कि आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं, 100 रुपए में से आपको 10 रुपए मिल गए। ये जो 10 रुपए मिले ये है आपके प्रारब्ध। अब आपको बाकी 90 अभी नहीं मिले हैं, वो आपको अगले महीने मिलेंगे। आपको अभी 10 रुपए ही मिले हैं, बाकी 90 के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है अभी, वो एक महीने बाद ही होगा। तो उसी प्रकार से जो अभी हमें कर्म भोगने के लिए मिले हैं वो हो गए मेरे प्रारब्ध, और जो मेरे को आगे आने वाले जन्मों में भोगने पड़ेंगे, जो मेरे अकाउंट में पड़े हैं, वो हो गए अप्रारब्ध। तो प्रारब्ध कर्मों से ही हमारा ये शरीर चल रहा है, और अप्रारब्ध जो हमारे अकाउंट में पड़े हैं, और उसमें से कुछ कर्म सिलेक्ट होते हैं, उसमें से कुछ कर्म सिलेक्ट हुए, उसी के बेस पे शरीर मिलता है। किसी का मोटा है, किसी का पतला है, किसी का गोरा है, किसी का काला है, ये सब अपने प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अनुसार ही सबको शरीर मिला है। किसी की 4 उंगली होती है, किसी की 6 उंगली होती है, ये सब प्रारब्ध के अनुसार है। तो बताया कि प्रारब्ध के अनुसार ही किसी को राजा का शरीर मिल जाता है, किसी को शूद्र का मिल जाता है, किसी को पशु का मिल जाता है, किसी को पक्षी का मिल जाता है, किसी को देवता का मिल जाता है, किसी को नरक में भी शरीर मिल जाता है। नरक में भी अनेक प्रकार की यात्रा में शरीर होते हैं। तो ये सब अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। जैसे ही प्रारब्ध खत्म होता है, शरीर खत्म, प्रारब्ध के साथ साथ शरीर फिनिश हो जाता है। तो फिर उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट लॉट निकलेगा, उसके अनुसार फिर उसको शरीर मिलेगा। तो ऐसे ही हमारा अप्रारब्ध खत्म होते हैं कि कभी बताया, अप्रारब्ध कभी तो खत्म होंगे। बैंक में भी तो कुछ एक लिमिटेड बैलेंस होता है। बताया अनादि कर्म फले पड़ी जीव भवान ले, तरी बारे ना देखी उपाय। बताया अनादि कर्म फले, हमारे कर्म जो है वो अनादि है भाई, उसका कोई आदि ही नहीं है, वो अनंत है। और तरी बारे ना देखी उपाय, ऐसे एक सागर में जीव डूब रहा है, वहां से निकलने का कोई उपाय नहीं दिखता, दूर दूर तक कोई तट नहीं है। इसलिए हमारे जो कर्म है, हम एक मनुष्य योनि में, ये मनुष्य योनि को ही कर्म योनि बोलते हैं, बाकी जितनी भी योनि है वो भोग योनि है। उसमें जो भी कर्म करे जाते हैं वो आपके अप्रारब्ध में ऐड नहीं होंगे, वो भोग योनि है। जो आपने कर्म करे हैं उसको भोग रहे हो आप केवल, किसमें? अनेक अनेक योनियों में, केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। अब एक मनुष्य योनि जिसकी 60 साल की आयु है, मान लो कलयुग में 70-80, इस 60-70 साल के अंदर एक जीव इतने कर्म कर बैठता है कि उसके जो अप्रारब्ध है, जो भी अभी हम कर्म करते जा रहे हैं उसका फल हमें अभी नहीं मिल रहा, जो भी हम अभी कर्म कर रहे हैं वो सारा का सारा फल हमारे अप्रारब्ध अकाउंट में ऐड होता जा रहा है। और कितना ऐड हो जाता है? बताया कि पूरा मनुष्य जीवन में एक व्यक्ति इतने कर्म कर बैठता है कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद भी वो अप्रारब्ध जो आपका पड़ा है वो खत्म ही होने वाला, केवल एक मनुष्य शरीर में। तो जैसे हमारे को एक मनुष्य शरीर मिला, हम लोग इतने कर्म कर लेंगे कि हमारा 84 लाख योनि का पूरा डेटा हो गया फुल, उससे भी ज्यादा कहीं मान लो आप, ये तो मिनिमम है। उसके बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर हम इतने कर्म कर लेंगे, फिर 84 लाख योनि में भी वो खत्म होने वाला नहीं है। तो बताया क्योंकि वो तो भोग योनि है, उसमें वो कटता जाता है, जो भी हमारे अप्रारब्ध है, मानो अप्रारब्ध देखते थे कटते 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 इतने हो गए, अब जैसे ही थोड़े से बचे अब उसको मिल गया मनुष्य शरीर, फिर उसका प्रारब्ध फिर भर जाता है, क्योंकि यही कर्म योनि है, इसमें ही कर्म हमारे अप्रारब्ध में ऐड होते हैं। बाकी अगर शेर किसी ब्राह्मण को काट लेगा तो उसको ब्राह्मण हत्या का पाप नहीं लगेगा, है ना, लेकिन हमें लगेगा ब्राह्मण हत्या का पाप। तो इसलिए बताया कि प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट और बीज क्या होते हैं, वो अभी शॉर्ट में चलना है, उसमें हम नहीं जाएंगे ज्यादा। तो प्रारब्ध और अप्रारब्ध कर्म, लेकिन केवल भक्ति ऐसी होती है जिस भक्ति से क्या होता है, हमारे प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। और जब भक्ति व्यक्ति करना शुरू करता है, सबसे पहले क्या खत्म होते हैं? सबसे पहले खत्म होते हैं अप्रारब्ध। भक्ति करनी शुरू करी, जो आपका अप्रारब्ध पड़ा था खत्म, जीरो, पूरा निल हो जाएगा, भगवान उसको पूरा जीरो कर देंगे। अब क्या बचा है? केवल अगला जन्म तो नहीं होगा ना, क्यों? अप्रारब्ध तो खत्म हो गया, अब क्या बचा? प्रारब्ध जो हम भोग रहे हैं।
जब भक्ति और तीव्र होती है तो ये प्रारब्ध भी खत्म हो जाते हैं, फिर वो भगवान के भरोसे ही चलता है, फिर उसका शरीर प्रारब्ध प्रारब्ध कर्म के अनुसार नहीं चलेगा। किसी के प्रारब्ध में लिखा था कि उसको शादी करनी है, उसको भगवान भी नहीं भगवान भी बदल सकते हैं लेकिन नहीं बदलेंगे, देवता तो बदल ही नहीं सकते। बताया, कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विदिर कलम काटी करे खान खान। अगर किसी की कृष्ण भक्ति बलवान है तो जो विधि का कलम, जो प्रारब्ध लिख दिए गए हैं, उसको कोई नहीं काट सकता, केवल भगवान उसकी फिर खान खान पूरा काट काट के फेंक देते हैं। कोई भी देवी देवता भी आपके प्रारब्ध नहीं बदल सकते। किसी के प्रारब्ध में लिखा है शादी नहीं होगी, वो लाख शनि के ऊपर टनों का टन तेल चढ़ा ले, लाख सूर्य को दुनिया भर की बत्ती दिखा दे, उसकी शादी हो ही नहीं सकती, क्यों? प्रारब्ध में ही नहीं है। प्रारब्ध को केवल कौन बदल सकता है? केवल कृष्ण ही प्रारब्ध को बदल सकते हैं। इसके लिए श्रील स्वामी महाराज जी उदाहरण देते थे, जैसे जज ने किसी को फांसी सजा सुना दी, किसी के पास शक्ति है उसको रोकने के लिए, जज भी नहीं रोक सकता। केवल कौन रोक सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे? मर्सी प्ली, वहां पे जाके मर्सी प्ली लगानी पड़ेगी, कृपा की गुहार, उसको अगर दया आ गई तो वो आपको माफ कर सकता है। फिर उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने उसको क्यों माफ करा, क्यों भाई इसने तो 10 लोगों का मर्डर किया था, आपने कैसे माफ किया है? मर्सी प्ली है, मेरे को दया आ गई, मैं माफ कर रहा हूँ। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब किसी पर दया करते हैं तो उसके प्रारब्ध को खत्म कर देते हैं और कोई नहीं कर सकता। प्रारब्ध के अंदर दोनों चीजें खत्म होएगी, शुभ और अशुभ कर्म दोनों। अगर शुभ कर्म भी रह गए तब भी काम नहीं चलेगा, क्यों? शुभ कर्म रह गए उसको भोगना पड़ेगा, उसको भोगेंगे फिर कर्म के चक्कर में पड़ेंगे। तो पाप और पुण्य सब खत्म कर देते हैं भगवान अपनी भक्ति के माध्यम से। फिर हम लोगों ने ये भी समझा था कि इस जगत में जो भी कर्म है उसके अंदर चार प्रकार के पाप कौन कौन से होते हैं? पंच सूना पाप बोलते हैं, पांच प्रकार के। इन पंच सूना पाप से कोई भी नहीं बच सकता, वो क्या है? गीता में भी इसका उल्लेख है, जिसमें बताया कि जब हम धान कूटते हैं तब जीव हत्या होती है, जब हम चलते हैं तब जीव हत्या होती है, जहाँ पे चूल्हा जलता है वहां जीव हत्या होती है, जहाँ पे उखल पानी का वो मटका रखा जाता है वहां पे भी जीव हत्या होती है, झाड़ू मारते हैं सफाई करते हैं जीव हत्या होती है। तो इसलिए ये पांच प्रकार के ऐसे पाप हैं, पंच सूना पाप, जिससे नहीं बचा जा सकता। इसलिए जब भगवान को भोग लगा के खाते हैं तब हम पंच सूना पाप से बच जाते हैं, नहीं तो हर अन्न के अंदर भी दोष है, ये हम लोग चुके हैं। फिर केचित केवल्य भक्त्या वसुदेव परायणा, केवल भगवान की भक्ति से ही सारे के सारे कर्मों का नलिफाई हो जाते हैं। पांचवा हमारा क्लास थी भगवान कौन है, उसमें हम लोगों ने वेदव्यास जी का वो श्लोक सुना था जिसमें वेदव्यास जी ने बताया था भगवान वो होता है जिसके अंदर छह भाग होते हैं। वो छह भाग कौन कौन से हैं? ऐश्वर्य, समग्रस्य, नीरस्य, यशस्य, श्रीया, ज्ञान, वैराग्य, एक क्षणम भग, इतिंगना। ये छह भाग कौन से हैं? ऐश्वर्य, जिसके अंदर संपूर्ण ऐश्वर्य है। किसमें है? वो भगवान कृष्ण में। ऐश्वर्य, समग्रस्य, समग्रस्य यानी कि संपूर्ण मात्रा में, सम्यक रूपे। ऐश्वर्य, समग्रस्य, वीर श्री, जिसके अंदर क्या है? संपूर्ण श्री है, सौंदर्य है। वीरस्य, जिसके अंदर संपूर्ण वीरता है, जिससे ही सारी वीरता सबको मिलती है, अग्नि हो, चंद्रदेव हो, जितने भी देव हैं उन सबको भी शक्ति देने वाले कौन है? भगवान ही है। ऐश्वर्य, समग्रस्य, वीरस्य, यशस्य, जिसके अंदर यश है, जिसका यश तीनों लोकों में विद्यमान है, सत्ययुग में भी था, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हमेशा रहेगा ही रहेगा। ज्ञान और वैराग्य, ये सब होने के बाद भी ज्ञान भी है और वैराग्य, किसी भी वस्तु से अटैच नहीं है। इतनी बड़ी द्वारका नगरी बनाई भगवान ने, अगले ही क्षण उसको खत्म कर दिया, सारे यदुवंशियों को खत्म कर दिया। तो बताया भगवान अटैच, ये सब होने के बाद भी वैराग्य है। तो जिसके अंदर ये छह चीजें परिपूर्ण मात्रा में होती है उसको भगवान बोलते हैं, और ये भगवान कृष्ण में है, और भगवान कृष्ण स्वयं अवतारी हैं, उनसे ही सारे के सारे अवतार आते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य अवतार में क्या अंतर है? भगवान कृष्ण 64 कला पूर्ण है और बाकी जितने भी अवतार हैं वो 60 कला पूर्ण है। तो ये चार ऐसी कौन सी कलाएं हैं जो भगवान कृष्ण में ही केवल है और अन्य किसी अवतार में नहीं है? वो है भगवान श्री कृष्ण की वेणु माधुरी, उनकी जो वेणु है। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी वेणु बजाई, वो वेणु की ध्वनि जब वहां पे जाती है, सुनी नारायण कमला सुनी मोहे रुचि अति भाई। अरे नारायण जी से पूछती है कमला, ये इतनी सुंदर ध्वनि कहाँ से आ रही है? तो वहां पे उनको बोलते हैं कि रास करत नंद नंदन वृंदावन हमसे अति दूर। अरे वृंदावन हमसे बहुत दूर है वैकुंठ से, और वहां पे रास कर रहे हैं नंद नंदन। ए सुख तीनों पुर है कहाँ? ये सुख तो भाई तीनों पुर में नहीं है, लक्ष्मी जी को बोलते हैं, ये हमारे वैकुंठ को तो छोड़ो, तीनों लोक में ये सुख नहीं है। तो ये सुख केवल कहाँ पे है? ब्रज धाम में है, भगवान श्री कृष्ण की वेणु माधुरी। फिर था भगवान श्री कृष्ण की लीला माधुरी,
जैसी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण करते हैं ना, अभी हम सुनेंगे आगे कालिया दमन लीला, ब्रह्म विमोहन लीला, गोपियों के साथ रास, यशोदा मैया के साथ इतनी सुंदर सुंदर वात्सल्यमय लीलाएं, तो ये जो इतनी सुंदर माधुर्यमय लीलाएं हैं वो केवल कृष्ण में है और अन्य किसी अवतार में नहीं है। उनका फिर रूप माधुर्य कैसा, भगवान का कितना सुंदर रूप है, देखी ले नायाना आए अचेताना झरे प्रेम माए बारी कि बचूड़ा शेरे कि बवंशी कारे कि बसे त्रिभंग धाम चरण कामाले अमिया ओछले ताहते नूपुर धाम सदा आशा करी ब्रिंग रूप धारी चरण कामाले स्थान सदा आशा करी। यही आशा होती कि भृंग रूप धरी, काश मैं भृंग बन जाऊं और क्या कर जाऊं, भृंग बन के इनके चरणों में ही बैठे रहूं, कितना सुंदर रूप है, किबा चूड़ा शेरे किबा वंशी करे, अरे इनके हाथ में वंशी तो देखो कितनी सुंदर है, अरे इनके सर के ऊपर मोर मुकुट उसका तो कहना ही क्या, मानो साक्षात क्या है ये मन्मथ साक्षात कामदेव है, और इनके चरणों से, अरे इनके चरणों से तो अमृत का प्रवाह निकल रहा है, उसको पीने के लिए मेरा मन कर रहा है, मैं भृंग रूप धारण करके वहीं पे बैठ के इनके चरणों से ही अमृत को पान करते रहूं, या फिर क्या करूं, जाब जाब गोब्र जेंद्र पुर हब गोपी नूपुर नूपुर है रुंझुन रुंझुन बाजी बोगो हरि बोल बो आदन मोहन एरी बोगो। अरे मैं इनको कैसे देखूंगा, जब मैं वृंदावन जाऊंगा वहां पे जाके गोपियों के चरणों की नुपुर बन जाऊंगी और नुपुर के क्या करूंगी, बाजी बोगो, और वहां पे जाके ही कृष्ण के दर्शन करूंगी गोपियों के चरणों में एक नुपुर बन के। तो भगवान कृष्ण का ऐसा सुंदर रूप जो कि त्रिभुवन को आकर्षित करता है, लक्ष्मी जी को, नारायण जी को, उनका तो कहना क्या, जहां तक कि स्थावर जंगम भी उनके रूप को देख के मोहित हो जाते हैं। इस जगत में कोई सुंदर से सुंदर पुरुष हो उसको देख के गछड़े बछड़े गैया मोर ये सब उसको देखने के लिए आएंगे क्या, लेकिन भगवान का देखो कैसा रूप है, जितने भी वन में लताए पुष्प है वो भी भगवान के रूप को देखने के लिए, लता का मुख इस तरफ था कृष्ण इधर जा रहे तो लता भी मुड़ जाती है, सारे पशु पक्षी भी इनके दर्शन करने के लिए पागल होते हैं। तो बताया उनका रूप माधुरी, लीला माधुरी, उनकी प्रेम माधुरी, जैसा प्रेम भगवान कृष्ण करते हैं वैसा प्रेम अन्य किसी अवतार में नहीं है। तो बताया ये भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये चार कलाएं परिपूर्ण मात्रा में है, और भगवान कृष्ण के जो 64 गुण है उनमें से सबसे मुख्य गुण कौन सा है भक्तों के लिए, बताया वो है भक्त वत्सल। ठीक है, भगवान के अंदर ये चारों गुण है, वीणु माधुर्य भी है, लीला माधुर्य भी, सब कुछ है, लेकिन अगर भगवान भक्त के प्रति वत्सल ही ना होते, इसलिए श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि अगर भगवान के हाथ में से तराजू होता तो मैं तो दूर से ही प्रणाम कर देता और भक्ति में आगे बढ़ ही ना पाता। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में तराजू है, तराजू का मतलब क्या, बनिया, 10 रुपए दोगे तो 10 रुपए की चीनी मिलेगी भाई, 11 की तो मिलेगी नहीं, दो दो चार ग्राम फालतू होगी वो भी वापस निकाल देगा। तो बताया लेकिन भगवान के हाथ में तराजू नहीं है, जैसे जज वहां पे देखते हो ना कोर्ट में क्या होता है, तराजू आंख में पट्टी बंदी होती है, कानून अंधे, हाथ में तराजू होता है, यानी कि भाई जो कर्म करे उसका इक्वल फल मिलेगा। लेकिन यही एक वो है कि भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए क्या बताया कि भगवान कैसे है कि अपने भक्तों के लिए भगवान कैसे है, सुमेरु समान अपराध भक्त के राई सम मानी, कि सुमेरु के समान इतना बड़ा अगर किसी का अपराध भी होगा अपने भक्त का तो उसको भी प्रभु क्या करते हैं, एक छोटे से राई के समान समझते हैं। अरे ये कोई अपराध है क्या, तो छोटा सा ही तो है, जैसे एक बच्चा बहुत गलत भी करता है सब लोग आके ताने भी देते तो माँ कहती है अरे बच्चा ही तो है कुछ नहीं होता, तो उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त के बड़े से बड़े अपराध को भी एक छोटा सा राई के तिनके के समान मानते हैं। तो सोचो कितने प्रभु भक्त वत्सल है, इसलिए भगवान का जो सबसे बड़ा गुण है वो है भगवान का भक्त वत्सल। फिर आगे बताया और वही है जो भक्तों को मोटिवेट करता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो फिर 6ठी क्लास थी एकाची की महिमा के ऊपर, तो उस पर तो हम नहीं जाएंगे, एकाची की महिमा आप लोगों ने सुनी ही होगी। और उसके बाद 7वीं क्लास थी हमारी, हाँ 7वीं क्लास थी, सेवेंथ और एट्थ क्लास, सेवेंथ थी डोंट्स एंड एट्थ थी डूज, भक्ति में क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सेवेंथ क्लास में कोई आदे मैंने ली थी और एट्थ क्लास काउंसलर्स ने ली थी। सेवेंथ क्लास थी कि भक्ति में ऐसे चार कार्य कौन से हैं जो निषेध करे गए हैं। कलयुग को चार जगह पे स्थान दिया था परीक्षित महाराज जी ने, जब परीक्षित महाराज जी का राज्य चल रहा था उसी समय ही कलयुग का प्रवेश हुआ था।
उन्होंने देखा कि एक बैल है जो तीन पैर तो उसके कट चुके हैं, सिंगल पैर पे खड़ा है, और साथ में एक गैया है, और उन दोनों के ऊपर कौन अत्याचार कर रहा है, एक शूद्र उन दोनों को मार रहा है। तो वहां पे परीक्षित महाराज जी आते हैं उस शूद्र को मारने के लिए, और शूद्र जो है परीक्षित महाराज जी के चरणों में लेट जाता है और बैल से पूछते हैं कि आपको क्यों मार रहा है। तो बैल बोलते हैं कि नहीं, ये मुझे क्या मारेगा, मेरे अपने प्रारब्ध है, इस जगत में कौन किसको मारता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार ही किसी को सुख और दुख मिलता है। तो उसकी बातों से ही समझ जाते हैं परीक्षित महाराज जी, ये कोई आम बैल नहीं, तो साक्षात धर्म है। और वहां पे जो बैल, जो गैया थी, वो कौन थी, वो साक्षात पृथ्वी देवी थी, और वो रो रही थी। और जिस भी राज्य में गैया रोती है, उस राज्य में कभी भी प्रजा सुखी रह नहीं सकती, हमेशा दुखी रहेगी, चाहे वहां पे साक्षात उनको धन की अनंत धन मिल जाए, लेकिन जहाँ पे गैया रो रही है कभी भी सुख नहीं हो सकता। इसलिए विदेशों में लोग सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन है, क्यों, क्योंकि वहां पे गैयाओं को काटते हैं, इसलिए वो लोग कभी सुखी नहीं है और कभी हो भी नहीं सकते। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, परीक्षित महाराज जी ने गाय को रक्षा करी, बैल की रक्षा करी, तो और शूद्र जो है वो भी जब शूद्र को मारने लगे वो उनके चरणों में लेट जाता है। तो वहां पे उन्होंने उसको फिर बोला कि भाई हम तो यदुवंशी हैं और मेरे पांडव और हम सब यदुवंशियों में क्या है कि जो भी हमारी शरण में आता है उसको हम मार नहीं सकते, चाहे वो पापी से पापी क्यों ना हो। तो उस शूद्र को भी फिर, जो शूद्र कौन था, वो साक्षात कलयुग ही था। तो उस कलयुग को फिर परीक्षित महाराज जी की जब वो शरण में आते हैं, परीक्षित महाराज जी बोलते हैं मैं देखो यद्यपि मृत्यु देनी थी लेकिन आज मैं देखो जीवन दान दे रहा हूँ, लेकिन तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, मेरे राज्य से बाहर चलेगा। उसने कहा प्रभु आपके राज्य के बाहर जाऊंगा, पूरा पृथ्वी तो आपका राज्य है, अपने राज्य में कुछ स्थान दो। तो वैष्णव लोग कितने सरल होते हैं, परीक्षित महाराज जी बोले मेरे राज्य में स्थान चाहिए तो देखो चार स्थान दूंगा, कौन कौन सा, द्वितीयम पानम स्त्रियम सोना, ये चार जगह उनको दी। द्वितीयम पानम स्त्रियम सोना, द्वितीयम का मतलब क्या होता है, पानम स्त्रियम सोना, द्वितीयम का मतलब होता है जहां पे भी जुआ खेला जाता है, द्वितीयम पानम, पानम का अर्थ होता है जहां पे भी मदिरा पी जाती है, द्वितीयम पानम स्त्रियम जहां पे अवैध संग होता है, सोना सोना यानी कि जहां पे पशु की हत्या करी जाती है। उनको ये चार स्थान दी थी, जो हमारे चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो इंटॉक्सिकेशन। तो अब चार स्थान मिल गए, अब चार स्थान के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है, फिर उनके चरणों में चले जाता है। अब यही तो है ना, वैष्णव लोग बहुत सरल होते हैं, कोई उनके चरणों में जाएगा तो उसको आश्रय देते ही है। बोला प्रभु एक स्थान और दे दो, बोले चल एक स्थान और देता हूँ, फिर क्या दिया, सोना। सोना जहाँ पे, सोना मतलब का अर्थ ये नहीं है, जैसे कई लोग भागवत कथा वाले बोल देते हैं कि उस दिन परीक्षित महाराज जी ने सर में सोने का मुकुट पहना था इसलिए उनके सर के ऊपर आगे कलयुग बैठ गया, इसलिए उन्होंने राजा के गले में सर्प डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुदेव बोलते थे ये बात गलत है। सोना का यहाँ पे अर्थ वो है, वो धन जो कि गलत तरीके से कमाया जाता है, वो वाला सोना, ना कि नॉर्मल सोना। सोना तो भगवान की सेवा में लगता है। तो फिर बताया कि ये जो चार स्थान थे कौन कौन से, द्वितीयम पानम स्त्रियम सोना, यानी कि गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन और मीट ईटिंग। तो ये जो चार पैर पे खड़ा हुआ था, जिसके तीन पैर कट चुके थे, ये चार पैर कौन कौन से थे, धर्म के चार पैर हैं, तप यानी कि तपस्या, शौच यानी कि पवित्रता, दया यानी कि हृदय के अंदर दया की भावना रखना, और सत्य। ये चार पैर है धर्म के, तप, शौच, दया और सत्य। लेकिन एक एक युग में एक एक पैर कटता रहा, अब कलयुग में केवल एक पैर बचा था, वो क्या था, तप। तप तो हो ही नहीं सकता, शौच पवित्र भी कलयुग के जीव नहीं है, जब खाना ही पवित्र नहीं आ रहा तो इंसान क्या खाक पवित्र होगा, दया कलयुग के जीवों से वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब क्या बचा, सत्य, केवल एक चरण बचा था, वो था सत्य, जिसके ऊपर ये बैल खड़ा हुआ था, यानी कि धर्म जिसके ऊपर टिका हुआ था। धर्म के चार स्तंभ में से तीन स्तंभ कट चुके हैं, बिल्डिंग के चार पिलर थे, तीन पिलर कट चुके हैं, फिर भी एक पिलर पे जैसे जैसे बिल्डिंग टिकी हुई है भाई, वो है सत्य। अब आप खुद ही सोच लो कलयुग में सत्य भी बचा है क्या, छोटे से छोटे बच्चा भी झूठ बोलते हुए वो नहीं होता। तो बताया कि ये जो चार पैर थे, ये जो है इन, और जो चार नियम है हमारे, सबसे पहला है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग से क्या होता है, जिसको बताया द्युतम, उससे सत्य की हानि होती है। इलिसिट रिलेशनशिप, उससे शौच यानी कि पवित्रता की हानि होती है। मीट ईटिंग, उससे दया की हानि होती है। और मदिरा पान करना, इंटॉक्सिकेशन करना, उससे तपस्या की हानि होती है। जब एक व्यक्ति मदिरा पान करेगा वो तब कैसे कर सकता है। तो ये चार हमारे नियम है, ये चार धर्म के स्तंभ है, और यही चार नरक के द्वार भी है। किसी को नरक जाना है तो जाओ मांस खाओ, नॉन वेज के इतने सारे रेस्टोरेंट्स है,
कमी तो है नहीं, जाओ जिसको नॉनवेज गैम्बलिंग कर लो, इलिसिट रिलेशनशिप कर लो, जगह जगह पे ठेके खुले हुए हैं। तो इसलिए बताया कि कलयुग में लोग पैसे खर्च करके नरक जाते हैं और वैकुंठ जाने के द्वार फ्री है, मंदिर में जाओ तो कोई पैसा नहीं है, फ्री में प्रसाद पाओ, कथा सुनो, कीर्तन करो, नाचो भक्त संगे, नाचो गाओ करो कीर्तन, कितना सुंदर भक्ति का ये मार्ग है। लेकिन नरक में जाने के लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं, पैसे देके मांस खाएंगे, पैसे देके मदिरा लेंगे, पैसे देके जुआ स्त्री संग करेंगे और नरक में जाएंगे। तो ये चार नरक के द्वार हैं और बहुत सारे यमदूत यहाँ पे घूम रहे हैं कलयुग में, जो सखा के रूप में, दोस्त के रूप में आ जाते हैं और नरक के द्वार की ओर ले जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे विष्णु दूत भी घूम रहे हैं जो भगवान ने छोड़े हुए हैं, जो बोलते हैं कि नहीं, उनको नरक में नहीं जाना, उनको तुम इस मार्ग में लेके आओ, उनको इन चीजों से बचाओ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विदेश में जब गए प्रचार करने के लिए, तो पूरा विदेश इसी चीज के पीछे ही पागल है। जब श्रील स्वामी महाराज जी ने बोला यू हैव टू फॉलो फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट रिलेशनशिप, तो इन विदेशी लोगों ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभु कि हमारा तो जीवन का लक्ष्य ही चार है, जब आप बोल रहे हो चार करना ही नहीं, तो फिर जीवन में करना क्या है, फिर बच्चा ही क्या करने के लिए? बोले इन चार को छोड़ो, तुम्हें पांच चीजें दूंगा करने के लिए। क्या क्या? ए बी सी डी ई, जिसको हमने 8वीं क्लास में सुना था। क्या करना है? भक्ति के डूज क्या है? एसोसिएशन, बुक रीडिंग, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर धाम एंड डाइट प्रसादम, ई फॉर एकादशी। तो ये पांच चीजें करनी है। तो पूरा विश्व जो इन चार चीजों के ऊपर खड़ा हुआ था, इस अधर्म के ऊपर, क्योंकि जीव भगवान को भूला हुआ है, तो उसकी स्वाभाविक रुचि ही अधर्म के प्रति होती है। अकेले एक शिला प्रभुपाद जी अकेले वृद्ध अवस्था में जाके पूरे उस विश्व को समझा रहे हैं कि नहीं, ये चार चीजें छोड़ दो। तो बताया कि जिसके ऊपर जात पे है गुरु निष्ठा, जिसके पास ये गुरु की निष्ठा होती है, त्रिभुवन तारिते है तार शक्ति, उसके पास ये शक्ति होती है कि पूरे त्रिभुवन को तार सकता है। तो गुरु निष्ठा के कारण शिला स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरे जगत को तार दिया और फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का बहुत बोल्डली प्रचार किया खुले कंठ से। अब चार चीजें कौन कौन सी करनी है, फिर हमने इसको 8वीं क्लास में सुना था। एसोसिएशन, भक्तों का संग, अगर हो सकता है कभी हमें मिले कभी नहीं मिले, इसलिए फिर नेक्स्ट आ गया बी बुक रीडिंग, फिर हमें बुक रीडिंग करनी है। जब भक्तों का संग है तब करेंगे, जब नहीं है तो उन्हीं भक्तों का संग हम ग्रंथों के माध्यम से करेंगे। फिर सी चैंटिंग, और साथ में क्या करेंगे? भगवान का नाम जप करेंगे। और कुछ खाएंगे नहीं क्या? बोला खाओ ना, क्या खाओ? खाओ नहीं, सेवा करो। क्या सेवा करो? भगवान का प्रसाद, डी फॉर डाइट प्रसादम। क्या रोज प्रसाद पाना है? नहीं, कब? एकादशी के दिन, ई फॉर एकादशी। तो ये भक्ति के पांच विटामिन के बारे में हम लोगों ने सुना था, और इनमें से जो सबसे मुख्य है वो है एसोसिएशन। अगर हमारा भक्तों का एसोसिएशन पक्का रहा, तभी हम बुक रीडिंग कर पाएंगे, तभी चैंटिंग होगी, तभी प्रसाद पा पाएंगे, तभी एकादशी होगी। और अगर एक खत्म हो गया, यानी कि भक्तों का संग हमारा खत्म हो गया, या भक्तों के संग में हमारी शिथिलता आ गई, तो हमारी भक्ति टक 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 करके पूरा नीचे चली जाएगी। इसलिए बताया कि अगर किसी को भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, और यह भक्ति में कई बार लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, भक्ति नहीं हो रही, माला में मन नहीं लग रहा, ग्रंथ में मन नहीं लग रहा, मन में बुरे विचार आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है। क्या? आपनी पलाई बे सब शुनिया गोविंद रब, सिंह रबे जेनो करी गाना। बताया नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रेम भक्ति चंद्रिका में, कहते हैं अपनी पलाई बे सब, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सरता, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को काम का वेग ज्यादा आता है, कोई आलस है, किसी को मत्सरता हृदय में ज्यादा सताती है, जितने भी ये सारे के सारे छह रिपु बोलते हैं, छह शत्रु बैठे हैं हृदय में, शत्रु बाहर नहीं हृदय के अंदर ही बैठे हैं। तो जो छह शत्रु हैं, इनको भगाने के लिए लोग क्या क्या प्रयास नहीं करते? मोटिवेशनल कथाएं सुनते हैं, कथा तो नहीं, मोटिवेशनल सुनते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, मन को समझाते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं, काम क्रोध लोभ इन सब चीजों से बचने के लिए। लेकिन रोतम दास ठाकुर जी कहते हैं अपनी भलाई पे सब, भाई अपने आप भाग जाएंगे। क्या? सुनिया गोविंद रब, जब ये गोविंद रब सुनेंगे, यानी कि वैष्णव के मुख से भगवान की कथा सुनेंगे, वैष्णव के मुख से भगवान का कीर्तन सुनेंगे, तो ये सबके सब अपने आप ही भाग जाएंगे। जैसे एक ये है, एक सिचुएशन ये है कि मैं काम क्रोध को भगाने का प्रयास कर रहा हूँ, और एक है कि वही मुझे छोड़ के भाग गया। अब बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा परफेक्ट है? मैं, काम क्रोध ने मुझे नहीं छोड़ा, वो
बार बार आके पकड़ रहा है, मैं बार बार उसे अपना कुछ छुटाता हूँ, वो फिर आके पकड़ लेता है, मैं छुड़ाता हूँ पकड़ लेता है, कभी मैं बलवान कभी वो बलवान, लेकिन दूसरी सिचुएशन है भाई वही मुझे छोड़ के भाग गया। अब मैं चाह भी रहा हूँ कि आ काम तू मुझे गले लगा, आ क्रोध तू मुझे गले लगा, आ मत्सरता तू मेरे हृदय में आ जा, लेकिन वो भाग गई। तो अब बताओ अब चाह के भी आएगी क्या वो? अब तो वो चाह के भी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि वो ही भाग गई ना। एक है कि मैंने छोड़ा और एक है उसने छोड़ा। तो भक्ति को छोड़ के बाकी जितने भी साधन है उसमें मैंने छोड़ा है और मैं कल पकड़ भी सकता हूँ, और मैं नहीं पकड़ूंगा तो वो पकड़ लेगा। लेकिन बताया कि भक्ति में क्या होता है, अपनी भलाई पे सब, भक्तों के संग से क्या होता है भाई। नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहते हैं, किबा करिते पारे काम क्रोध साधक यदि है संग वैष्णवान जनने। भाई काम क्रोध कर क्या सकता है अगर किसी का संग हो जाए भगवान के भक्तों के संग, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बताया वो अपने आप भाग जाएंगे। सुनिया गोविंद रब सिंह रवे जेवनो करीगढ़। जिस प्रकार से हाथी भाग जाते हैं जब वो सिंह की दहाड़ सुनते हैं, महानंद सुख पावे, और बहुत महा आनंद सुख मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जा रहा है एकांत भजना, जिसने एकांतिक भजन किया है उन्हीं के लिए सारी चीजें बताई जा रही है। तो बताया कि सबसे मुख्य है एसोसिएशन, एसोसिएशन से ही हमारी बुक रीडिंग होगी, चैंटिंग होगी, और बाकी सब कुछ ठीक चलेगा। इसलिए भक्ति का एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, सबका साधु संग। इसलिए हमारे गुरुदेव हमेशा एक ही बात बोलते थे कि भगवान से हमेशा एक ही वस्तु मांगो कि किसी प्रकार से मुझे आपके रसिक भक्तों का संग मिल जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, साधु संगे कृष्ण नाम एही मात्र चाहिए, संसार जीने थे और कौनो वस्तु नाई। जगदानंद पंडित महाप्रभु के परिकर प्रेम विवत ग्रंथ में कहते हैं, साधु संग में मुझे कृष्ण नाम चाहिए और इस जगत में प्रभु मुझे और कुछ वस्तु चाहिए ही नहीं आपसे, बस साधु संग में कृष्ण नाम दे दो। फिर हमारी जो 9th क्लास थी वो थी प्रसाद के ऊपर, किस प्रकार से हमने जन्माष्टमी से पहले वो क्लास ली थी, किस प्रकार से भगवान को प्रसाद लगाना होता है, ऑफर करना होता है। उसमें भी ऐसा कुछ विशेष तो नहीं था, बट एक विधि बताई थी, वो आप लोग जो घर में भगवान को प्रसाद लगाते हैं उसको आप सुन लीजिएगा। और प्रसाद और महाप्रसाद में क्या अंतर होता है ये बताया था, जो भगवान को भोग लगता है वो प्रसाद, और वही प्रसाद जब भगवान के भक्त पा लेते हैं तो वो हो जाता है महाप्रसाद, और भक्तों के भी बात जब उनके और भक्त पा लेते हैं तो हो जाता है महा महाप्रसाद। तो महाप्रसाद की जय, कृष्ण की और कोर्स की जय। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ अनम्यूट करने का, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे हेलो, कृष्णा, हरे कृष्णा, बात करूं? हरे कृष्ण, बोलो। हेलो, क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा जी, ये बुधवार की क्लास रिपीट होगी? बुधवार को होगी ना क्लास? हाँ जी, बुधवार की क्लास रिपीट होगी। हाँ जी, हाँ जी, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, परमिशन देने मोले अनम्यूट कर ची। प्रभु जी, ये जो आपने क्लास ली है इसकी हमें रिकॉर्डिंग मिल जाए तो एक बार और हम सुनना चाहेंगे इसे। हाँ जी, हाँ जी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल।